दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी खुरई विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा राजपूत नामांकन कर देती हैं, जहां भूपेंद्र सिंह एक दावे करते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो चुकी है खुरई, लेकिन नामांकन में जो भीड़ जुड़ती है वो उन्हें कहीं ना कहीं वो चेतावनी है, अंदर टोन किस प्रकार से कांग्रेस की खुरई विधानसभा में मजबूत है। कांग्रेस जिस प्रकार से मुद्दे बनाए हुए है, स्पष्ट तौर पर भूपेंद्र सिंह घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और हम लोगों ने वहाँ जाके चीज़ महसूस भी की है, खुलकर कोई भी व्यक्ति कैमरे पर नहीं बोल पा रहा है। पूर्व विधायक अनुदय चौबे जो हैं वो भी अब सामने हैं और रक्षा राजपूत का फुल समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। भीड़ भड़क्का देख कर तो यही लगता है, गुड्डू राजा वहीं डेरा डाले हुए हैं, लगातार जनसंपर्क में भी हैं और लगातार पूरी सागर की विधानसभा में घूम भी रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि गुड्डू राजा खुरई विधानसभा में सक्रिय हैं और वहाँ जो भी रणनीति बनाई जा रही है उसमें तीनों की सलाह ली जा रही है, चाहे वो रक्षा राजपूत हो, चाहे गुड्डू राजा हो, चाहे सबसे सीनियर नेता के तौर पर अनुतय चौबे हों जो पूर्व विधायक हैं। वो अपना एक दबदबा रखते हैं चौबे, फील्ड में भी उनकी अच्छी खासी एक पकड़ है। भूपेंद्र सिंह विकास के दावे करते हों, विकास किया भी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में वो विकास कहीं ना कहीं छुप जाता है। दूसरा, जिस प्रकार से आम व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उसको लेके एक नेगेटिविटी पैदा हुई है भूपेंद्र सिंह की विधानसभा में, और रक्षा राजपूत को कहीं ना कहीं उसका समर्थन मिल रहा है। वोटर खुल के जरूर नहीं आएगा, लेकिन वोटिंग के समय कुछ चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, बड़ा कद हैं, मुख्यमंत्री के करीब माने जाते हैं और जिम्मेदारी एक बड़ा विभाग उनके पास है, जिसमें शहरी क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत जगह किया भी होगा। अब 20 साल की सरकार लगभग होने को है तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो गुंडागिर्दी बढ़ी है, जो नंबर दो के व्यापार बढ़े हैं, जो विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया है, विपक्षी लोगों पर जिन्होंने भी उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है उन पर फर्जी मुकदमे लिखवाए गए हैं, मकान गिराए गए हैं, उसको आप लीगल वे में कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरी चीज़, भूपेंद्र सिंह एक कुशल रणनीतिकार तो है ही हैं, कूटनीतिक भी हैं, ऐसे में किसको किस तरीके से समझाना है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसका कारण है कि बहुत सी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। हम लोग खुरई विधानसभा की हर घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, कमलनाथ का कार्यक्रम है, किस प्रकार से भीड़ जुड़ती है, किस प्रकार की तैयारियाँ, वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस मजबूत हो रही है खुरई में, और जो दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस मुक्त खुरई, तो कांग्रेस ना तो मुक्त खुरई हुई है ना ही कांग्रेसी कही गए हैं। उन्हें केवल ऐसे सहारे की आवश्यकता थी जिसके सहारे खड़े हो सके, तो कहीं कहने गुड्डू राजा की उपस्थिति कांग्रेसियों को पूरे सागर में मजबूत कर रही है, और दमखम के साथ कांग्रेसी चुनावी मैदान में और तैयारियां भी कर रहे हैं। नमस्कार।